पब्लिक टीवी आपकी आवाज। यूपी के उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि विपक्ष के लोग लगातार हंगामा कर अराजकता फैला रहे हैं। वो एक घटना का चुनावी फायदा लेने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए सदन में जनता से जुड़े मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग हद कर रहे हैं। कल तो मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान उनके हाथ से लेकर फाड़ कर फेंक दिया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा विधानसभा बाधित होने पर मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने का मौका नहीं देना चाहती। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सांसद रहते हुए एक बार पूर्ववर्ती अखिलेश यादव ने प्रयागराज जाने से रोका था, तब तो उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया था। वहीं कुंभ में अव्यवस्थाओं के सवाल उठाने पर दिनेश शर्मा ने कहा कि ये इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, अगर कहीं कोई मुश्किल आ रही है तो उसका समाधान किया जा रहा है। विपक्ष के लोग कुंभ के इतने शानदार आयोजन को देख नहीं पा रहे हैं। कुंभ में अब तक करीब 15 करोड़ लोग स्नान करके जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कुंभ हिंदू मनोभाव, पौराणिकता और अध्यात्म का केंद्र है। विपक्ष के लोग हिंदू भावनाओं को चोट पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए सड़क से लेकर सदन तक हंगामा कर रहे हैं। माननीय सदन की कार्रवाई को उस पर चर्चा ना हो सके, एक अराजकता का वातावरण बनाने का काम प्रतिपक्ष ने किया है। कल तो इतनी हद हो गई कि प्रतिपक्ष के एक सदस्य के द्वारा नियमों को तोड़ते हुए माननीय मंत्री भूपेंद्र सिंह पढ़ रहे थे अपना बयान और उनके हाथ से छीन कर कॉपी को फाड़ा गया। सदन के अंदर अराजकता का वातावरण पैदा करने का काम ये सपा, बसपा और कांग्रेस के तीनों के सदस्यों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। आज एक सदस्य के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद जब सदस्यों ने न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुए उनको वापस लेने की बात कही तो माननीय सभापति ने वापस ली, लेकिन उसके बाद शोरगुल के वातावरण में तमाम अपशब्दों का प्रयोग भी इस सदन में किया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी प्रकार की अराजकता, किसी प्रकार के लोगों का कानून में हाथ में लेने के अधिकार नहीं देती, कोई भी सरकार हो। आज जिस प्रकार से जिस घटना को लेकर यहां पर हुड़दंग मचाया जा रहा है, पहले से भी तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं रही हैं कि एक छात्र संघ का उद्घाटन समारोह और उद्घाटन समारोह में तीन दलों के लोग जीत कर आए पदाधिकारी के रूप में, और उसके विरोध में कि कोई यहां पर नहीं आएगा, हर व्यक्ति अपने दल का नेता बुलाना चाहता है। यह सामान्य प्रक्रिया होती है जब विवाद होता है कुंभ ऐसा महत्वपूर्ण जगह। यह विपक्ष के द्वारा कुंभ की व्यवस्थाओं को देखा नहीं जा रहा है, और जिस प्रकार से पूरी दुनिया के 15 करोड़ से ऊपर आकर लोग आकर यहां पर स्नान करके जा चुके हैं, और मैं तो कहूंगा एक रिकॉर्ड बन गया, उससे भी ज्यादा संख्या में लोग आए, वहां की सुव्यवस्थाओं ने पूरी दुनिया में सराहा गया है, उसको बाधित करना चाहते हैं, किसी प्रकार से अराजकता फैलाना चाहते हैं, किसी प्रकार की वहां की व्यवस्थाओं को ध्वस्त करना चाहते हैं। जो हिंदू मनोभावनाएं, पौराणिकता, अध्यात्म का वो केंद्र है, उसे चोट पहुंचाना चाहते हैं, और उसके लिए केवल सड़कों पर नहीं सदन में भी हंगामा मचाते हैं आकर। कभी ड्रेस कोड की बात कर देते हैं, कभी आपने वहां पर नहाया को इस पर आपत्ति कर देते हैं, पूरा सदन को भंग कर देते हैं। ना तो जनता की बातों को उठाना चाहते हैं और ना ही जनता की बातों के लिए सरकार की बात को सुनना चाहते हैं। आज जिस घटना का विवरण कर रहे हैं, वहां की जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसको वहां पे उसमें सांसद थे तब भी आपने जाने से रोक दिया था। आप कानून की गुहार लगाकर इस प्रकार का अराजकता का वातावरण पूरे प्रदेश में फैलाना चाहते हैं, प्रदेश में एक स्टंट बनाकर एक चुनावी जिसको कहते हैं ढकोसला करने की काम आज विपक्ष कर रहा है। सदन ना चले, सरकार की बात सामने ना आए, कुंभ का महोत्सव किसी प्रकार से बाधित हो, ये सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। डीएम का, एसएसपी का, परामर्शदात्री समिति का समय पर उनको सूचना देने के बाद फिर से वहां पर जाने का जिद करना, ये एक प्रकार से राजनीतिक मान्यताओं का उपहास है। और इस उपहास को करने के बाद भी जब अधिकारी उनसे निवेदन करने के लिए गया तो उस निवेदन करने के बाद पूरे प्रदेश के कई स्थानों पर तोड़फोड़ हो जाए, कई स्थानों पर अराजकता का वातावरण हो जाए, यह शायद उस संस्कृत का परिचायक है जिसको करने में पूर्व सत्ताधारी दल जो है वो महारत हासिल किए हुए है। इसलिए मेरा फिर से
ऐसे लोगों से अनुरोध है कि कानून को हाथ में मत लीजिए, सरकार कानून के अनुसार चलती है, कुंभ का संपादन हमारी प्राथमिकता है, लाखों लाख करोड़ों करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को कुचलने का काम मत करिए, वहां पर अशांति फैलाने का काम मत करिए, नियमों का पालन करिए, कानून के अनुसार जो हम चल रहे हैं उसमें सहयोग करिए। ये हमारा अनुरोध भी है और हमारा शासन के कर्तव्यों को हम याद भी दिला रहे हैं। तो इसलिए आज सदन में यही बात हम रखना चाहते थे, विपक्ष ने बात नहीं सुनी, अपनी बात हमारे सारे सदस्यों ने शांतिपूर्वक सुना और जब दूसरे बोलने के लिए जब नेता सदन का जिक्र आया तो सदन में उनको बोलने नहीं दिया गया, हंगामा मचाया गया। कल मंत्री के हाथ से छीन कर जो पढ़ने वाली पत्रिका थी उसको फाड़ा गया, कागज को फाड़ा गया। तो ये एक प्रकार का अराजकता का वातावरण फैलाने का काम विपक्ष कर रहा है। मेरा फिर से मैं इसको स्मरण कराता हूं कि कानून का पालन करना सत्ता और प्रतिपक्ष दोनों का कर्तव्य होता है, लेकिन अगर जो उसका उल्लंघन करता है तो निश्चित रूप में कानून में प्रदत्त जो अधिकार होते हैं उसका प्रयोग करने के लिए सरकार को बाध्य होना पड़ता है। सरकार किसी के अधिकारों का ना तो हनन कर रही है ना उसको कुचलना चाहती है। जो जाना चाहता है कुंभ में सबका स्वागत है, वहां पर जाए, पूजा करे, अर्चन करे, डुबकी लगाए, कुछ भी करे, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन वहां पर धरना, वहां पर जाम, 144 का उल्लंघन करना, वहां पर पुलिस अधिकारियों को थप्पड़ मारना, वहां पर लोगों को पत्थर मारना, इस अपराध को सरकार नहीं सह सकती। और आज यही बात कहने के लिए सदन में मैं उपस्थित होना चाह रहा था तो उसमें बाधा उत्पन्न की गई, तो आपके माध्यम से मैंने अपनी बात को रखी और उसके लिए केवल सड़कों पर नहीं सदन में भी हंगामा मचाते हैं। आकर कभी ड्रेस कोड की बात कर देते हैं, कभी आपने वहां पर नहाया को इस पर आपत्ति कर देते हैं, पूरा सदन को भंग कर देते हैं। ना तो जनता की बातों को उठाना चाहते हैं और ना ही जनता की बातों के लिए सरकार की बात को सुनना चाहते हैं। आज जिस घटना का विवरण कर रहे हैं, वहां की जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसकी जो कमेटी है परामर्शदात्री समिति, उसने अन्य छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए अनुरोध किया कि किसी भी राजनीतिक दल का कोई नेता नहीं बुलाया जाएगा। जिलाधिकारी के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री के निजी सचिव को इसकी सूचना दी जाती है, अनुरोध किया जाता है कि यहां पर क्योंकि कुंभ चल रहा है यहां पर अशांत वातावरण नहीं हो। उसके बावजूद उसकी प्रतिकूल ना लेकर और वहां पर जाने का प्रयत्न किया जाता है। आप नहाने गए थे, किसने रोका था? आप 100 बार नहाने जाइए, 1000 लोगों को लेकर जाइए, 10000 लोगों को ले जाइए, किस कौन रोकता है? आपकी व्यवस्था सरकार ने कराई, हर चीज के लिए सरकार चाहे जो भी मेहमान आएगा प्रोटोकॉल के हिसाब से उसके इंतजाम करती है। आप एक तनावपूर्ण वातावरण वहां पर उत्पन्न हो इसके लिए तमाम नेताओं के दल बल को लेकर जो एक प्रमुख जगह है जिसको बोलते हैं कुंभ के जाने का मुख्य मार्ग जो बालसन चौराहा है, बालसन चौराहा पर जाम लगा दिया जाता है और पथराव किया जाता है, वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में पथराव किया जाता है। आपके टेलीविजन चैनल से दिखाया कि एक नेता जो एक प्रदर्शनकारी थे वो दरोगा के गाल पर चांटा मार रहे हैं। कानून को आप अपने हाथ में ले लीजिएगा, सरकार के आप अराजकता के वातावरण में डालने पर कानूनी कार्रवाई करने पर आप उसको उसकी आलोचना करने के बाद आलोचना करेंगे, और इसलिए आलोचना करेंगे कि आपको कानून को हाथ में लेने से क्यों रोका। सरकार के द्वारा समय पर सूचना दी गई कि आपके आने से कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, एक दल का व्यक्ति नहीं जीता, कई दलों के व्यक्ति जीते हैं, दूसरे दल के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। इसे ऐसे वातावरण में जो परामर्शदात्री समिति है उसका सर्वसम्मति निर्णय है कि कोई भी राजनीतिक दल का नेता नहीं आएगा। कोई भी राजनेता होता है वो इसका पालन करता आया है हमेशा से। आपने अपने शासनकाल में तो रोक दिया था, मुख्यमंत्री तक को वहां पे और उसमें सांसद थे तब भी आपने जाने से रोक दिया था। आप कानून की गुहार लगाकर इस प्रकार का अराजकता का वातावरण पूरे प्रदेश में फैलाना चाहते हैं, प्रदेश में एक स्टंट बनाकर एक चुनावी जिसको कहते हैं ढकोसला करने की काम आज विपक्ष कर रहा है। सदन ना चले, सरकार की बात सामने ना आए, कुंभ का महोत्सव किसी प्रकार से